नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। गढ़वा से दीपक कुमार की रिपोर्ट। टंडवा पूरनचंद चौक पर स्थित टायर गोदाम में लगी भीषण आग, 50 लाख रुपए का हुआ नुकसान। गढ़वा के प्रसिद्ध व्यवसायी जयदीप गुप्ता जी के टायर दुकान में भीषण आग लग जाने से लगभग 50 लाख की नुकसान हो गया है। जानकारी के अनुसार आज ही गोदाम में टायर माल मंगवाए थे, जिसमें भारी नुकसान हुआ है। चूंकि टायर की दुकान है, इसलिए प्रशासन की ओर से पानी की जगह फॉर्म से आग पर काबू पाए जाने की कोशिश की जा रही है। चूंकि टायर के गोदाम है और टायर पर लगी आग को पानी से बुझाया नहीं जा सकता, आग की तीव्रता को देखते हुए रेहला और नगर उंटारी से भी फायर ब्रिगेड को बुलाया गया है, जो फॉर्म के माध्यम से जो लिक्विड होता है उसी के माध्यम से आग को बुझाया जा रहा है। मौके पर गढ़वा युवा के समाज द्वारा भी बचे हुए टायर को बाहर निकालने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। एवं घटनास्थल पर विधायक प्रतिनिधि कंचन साहू एवं गढ़वा के युवा समाज सेवी दौलत सोनी भी घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के लिए पहुंच चुके हैं। देखिए, टायर की दुकान है और गढ़वा के प्रसिद्ध व्यवसायी हैं जयदीप गुप्ता जी, टंडवा के निवासी है। इनका टायर का दुकान था और दुर्भाग्य है कि आज ही इनका टायर में गोदाम में माल मंगवाए थे और जिस तीव्र गति से आग पकड़ी है, इसमें इनका भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन की ओर से फोम का पानी की जगह फोम से आग बुझाया जा रहा है और अभी आग की तीव्रता को देखते हुए हम लोग रेहला से भी फायर ब्रिगेड मंगाए हैं, नगर उटारी से भी फायर ब्रिगेड आ रहा है और सारा काम फोम से फोम के माध्यम से, एक लिक्विड होता है, स्पेशल लिक्विड है, उसके माध्यम से आग को बुझाया जा रहा है और 15-20 मिनट में हम लोग आग का काबू पा लेंगे। गढ़वा के जो युवा समाज हैं, उन लोग के द्वारा भी टायर को बाहर निकालने का जान पर बाजी लगा के हटाया जा रहा है। तो सामूहिक रूप से प्रशासन और पब्लिक के सामूहिक प्रयास से आग के बुझाने का प्रयास करिए, क्योंकि आग इसलिए बेकाबू है कि चूँकि टायर का है और टायर को आग से पानी से बुझाने में कोई फायदा नहीं होता है। इस नुकसान हमें लगता है कि लाखों रुपये का है, 50 लाख से कम का नुकसान नहीं है, चूँकि पूरी बिल्डिंग भी अब ध्वस्त होने वाली है। देखिए, आग लगने का वजह तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। जैसा कि सिद्धार्थ जो इस दुकान का प्रोप्राइटर है, जयदीप चचा का बेटा, वो बोला कि भैया दुकान बढ़ा के जैसे ही हम लोग निकले तो हम लोगों को लगा कि थोड़ा सा धुआं कहीं से निकल रहा है। जैसे ही अंदर गया तो आग जो है पूरा भयावह रूप ले लिया था। उसके बाद हम लोगों को सूचना मिला तो हम लोग तुरंत दमकल वाले लोगों को फ़ोन किए, दमकल वाला गाड़ी एक आया, उसके बाद आग बुझाने का प्रयास दमकल के लोग कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर कुछ लोग हैं, वो भी प्रयासरत हैं कि आग पर काबू पाया जाए। काफ़ी बहुत नुकसान हुआ है। यह दीपावली में जो लोगों का खुशियों का जो माहौल था, यह बिल्कुल उनके परिवार के ऊपर पहाड़ सा गिर गया है। और कहा जा सकता है कि जो दीपावली में लक्ष्मी का आगमन होता है, यह सीधे सीधे इनका काफ़ी नुकसान है। हमको लगता है कि 30-40 लाख रुपए से ऊपर का इनका नुकसान देखा जा सकता है। काफ़ी टायर तो हम लोग निकाल चुके हैं, लेकिन अभी भी आग जो है लगी हुई है और भी लोग प्रयास कर रहे हैं कि आग पे काबू पाया जा सके। प्रशासन के लोग तो काफ़ी सक्रिय हैं, यहाँ प्रशासन के लोग भी देख सकते हैं, सारे लोग प्रशासन के लोग से ही हम लोग को सूचना प्राप्त हुआ था। चूँकि हम लोग बाजार में थे तो थाना प्रभारी जी को फ़ोन आया तो वहीं से हम लोग डायरेक्ट अपने, चूँकि हम लोगों का भी धनतेरस का त्यौहार है, सारा दुकान वकान छोड़कर हम लोग सीधे यहाँ टंडवा में आ गए कि ताकि हमारे गढ़वा के लोगों को, इसलिए एक महीना पहले डेढ़ महीना पहले इस तरह का आग और लगा था, पता नहीं क्या हो गया है, अब शॉर्ट सर्किट से है कि क्या है, इस पर तो अब स्पष्ट नहीं हो पाया है। हम लोग के गढ़वा जिला प्रशासन से सूचना हुआ तो ग्वासिम से हम लोग पूरे अपना टीम के साथ, फायर टेंडर के साथ यहाँ पर आग बुझाने के लिए आए हैं। अब हम लोग शिरकत कर रहे हैं और आग पर हम लोग काबू भी पाएंगे, इसलिए कि हम लोग बहुत दूर से चल के आ रहे हैं, भागे भागे आ रहे हैं और आग पर हम लोग काबू लगभग पा लिए हैं। कुछ ही थोड़ा बाकी है, वो हम लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद। वजह का तो अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जैसा कि लोग बता रहे, शॉर्ट सर्किट के वजह से इसमें आग लगने की संभावना है। और जैसे ही हम लोगों को पता चला, तुरंत हम लोग अग्निशामक को बुला करके आग पे काबू के लिए हम लोग उपाय किए और बावजूद इसके हम लोगों ने रेहला से अग्निशामक को बुला करके आग पे काबू पाया है। आखिर क्या लगता है, वजह क्या है? ये तो बताया नहीं जा सकता है, और आग लगी है और जो हमारे मित्र हैं जयदीप जी, काफ़ी उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ है। प्रशासन का पूरा सहयोग मिला, आग नियंत्रण पे है, बिहार से प्लास्टिक से भी अग्निशमन की गाड़ी आई हुई है, अभी तो अब फिलहाल नियंत्रण में है। नुकसान बहुत ज़्यादा है, अभी हाल फिलहाल में ही हमारे मित्र ही हैं, जिस समय आग लगी हमारे साथी रंग का मोड़ पर थे बेचारे, वहाँ से हम लोग साथ में दौड़े दौड़े आए हैं।
फायर ब्रिगेड कब पहुँचे? फायर ब्रिगेड समय से आ गई है, जैसे ही सूचना मिली तुरंत आ गए। एक दूसरी गाड़ी भी आई है पलामू जिले से, बिहार कास्टिक से। आप देख रहे हैं आज गढ़वा में प्रेमचंद चौक पे बाबा टायर दुकान में आग लगी है शॉर्ट सर्किट की वजह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसी आग लगी, यहाँ बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड बहुत जल्द आया और कंट्रोल होने का बहुत जल्द बहुत ही अच्छा कंट्रोल किया गया। आप यहाँ पे देख रहे हैं बाबा टायर दुकान में, आप यहाँ पे प्रशासन भी हैं, यहाँ पे सारे, यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे उपस्थित प्रत्याशी लोग भी हैं। यहाँ पे ये देखिए फायर ब्रिगेड से बुझाया जा रहा है। यहाँ देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे संतोष केसरी भी मौजूद हैं, कंचन साहू भी मौजूद हैं, गढ़वा थाना के पूरे टीम यहाँ पे मौजूद हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे गढ़वा थाना की ही पूरे पुलिस मौजूद हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आप बाबा टायर दुकान में बहुत ही जल्दी कंट्रोल किया गया, आप वीडियो के ज़रिए देख सकते हैं। जैसा आग लगी थी नहीं लगता था कि ये बुझ पाएगा, बट बुझा दिया गया। गढ़वा थाना के पूरे टीम यहाँ पे मौजूद रहे और फायर ब्रिगेड और कहीं से आया हुआ, बहुत ही जल्दी कंट्रोल अपने हाथों में काबू किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे गढ़वा के प्रेमचंद चौक के पास, यहाँ पे देख सकते हैं सारे लोग उपस्थित हैं। आपको हम फिर से बता दें कि बाबा टायर दुकान में आग लगी, बहुत जल्द फायर ब्रिगेड के तरफ से बुझाने का कंट्रोल किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए सारे हमारे फायर ब्रिगेड के टीम लोग हैं, और हमारे देखिए यहाँ पे पूरे आग बुझाने का काम किया जा रहा है। ये देखिए हमारा पूरा फायर ब्रिगेड का टीम है। और इधर देखिए, आपको हम फिर से बता दें कि बाबा टायर दुकान में रंग गढ़वा में ही प्रेमचंद चौक के पास, जहाँ पे डाल्टेंगर छत्तीसगढ़ जाने का रास्ता है, वहीं चौक के पास, प्रेमचंद चौक के पास गढ़वा में ही आग लगी है बाबा टायर दुकान में। बहुत जल्द हाथों में काबू किया गया गढ़वा थाना के और फायर ब्रिगेड के पूरे टीम को से। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप देख सकते हैं वीडियो भी, यहाँ पे पूरा यहाँ पे सारे पब्लिक लोग मौजूद हैं। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे पूरा वीडियो बताया जा रहा है कि यहाँ पे गढ़वा में, फिर से बता दें पूरे गढ़वा थाना के टीम आई हुई है आग बुझाने का। बहुत जल्द काबू किया गया आग बुझाने का, फायर ब्रिगेड का पूरा टीम आए हुए थे। आप फिर से बता दें एक बार, बाबा टायर दुकान में आग लगी, बहुत जल्द काबू किया गया। लगभग यहाँ के लोग बता रहे हैं 50 लाख का संपत्ति जला। धन्यवाद। पिछले 80 सालों से वरुणा पंप्स आप तक इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पहुंचाने का प्रेशर लेते आए हैं। जोश से पानी पहुंचाने का और उनके दिलों को जीतने का प्रेशर हम लेते हैं। वरुणा पंप्स।
हर बूंद में जोश। अधिकृत विक्रेता किसान पंप हाउस, मदरसा रोड, आनंद मार्ग, स्कूल के बगल में गढ़वा, बंधन मैरिज हॉल, नवादा मोड़, दुर्गा मंडप के बगल में गढ़वा। किसी भी शुभ अवसर, शादी, विवाह, जन्मदिन पार्टी, सालगिरह, मीटिंग आदि मौकों पर 450 कुर्सी की क्षमता वाली हॉल, पार्किंग की व्यवस्था सहित सुंदर गार्डन से सुशोभित बुकिंग हेतु संपर्क करें। प्रोप्राइटर दीपक सोनी, मोबाइल नंबर 7004054811। रांची एल्यूमिनियम वर्कशॉप, स्टील ड्रॉलिंग, स्लाइडिंग खिड़की, पार्टीशन, स्टील फर्नीचर, डोमाल स्लाइडिंग एंड फ्रीजर काउंटर, रिवॉल्विंग चेयर इत्यादि एल्यूमिनियम से संबंधित सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। हमारा पता है कचहरी रोड ब्लॉक के सामने, नगवा वार्ड नंबर 8, गढ़वा, झारखंड। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। विश्रामपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार मुंशी प्रसाद गुप्ता। हरि ओम साड़ी सेंटर, स्टेशन रोड, रेहला, पलामू। विश्रामपुर नगर परिषद का सबसे मशहूर भरोसेमंद रेडीमेड कपड़े की दुकान। यहाँ साड़ी, जीन्स, टी शर्ट, लेडीज सूट, लहंगा, शेरवानी, कोट पैंट आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध है। हमारा संपर्क नंबर है 9608574673। लुबी है जहाँ, पानी है वहाँ। अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सही जना मोड़, गढ़वा।